आज का मौसम कितना ऑसम हो रहा है यार। चलो स्टार्ट करते हैं मोमोज बनाना। बुलबुल थोड़ी शिवानी की एक्टिंग करके दिखा दे। आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज हम अपने व्लॉग में यार थोड़ी शिवानी की एक्टिंग कर ले। हम तो बस मोटे आ रहे हैं, क्या करें, पता नहीं होते ही ना हम। अब मैं करूंगा सारी मैगी को क्रश। यहाँ मैगी खाने क्यों आई हो, तुम्हें तो बनानी ही नहीं थी। अब आई ना उतनी पहाड़ के नीचे वाला, अगर ये स्टफिंग में नहीं जा पाएगी तो क्या। अभी मैं बनाने वाली हूँ चटपटी तीखी तीखी लाल मिर्ची वाली सॉस। गाइस ये मोमोज का ठेला लगाने वाली है बहुत जल्दी, आप जल्दी से आना हमारे यहाँ पर। बड़ा पाव गले में मोमोज। हाँ तू मोमोज गल बनी हो। ये होता है बहनों का प्यार। थोड़ी देर पहले हम लड़ रहे थे एक दूसरे से और अब देखो ये हमारी बहनाश्री हमारे लिए मोमोज की प्लेट लगा रही है। आज का मौसम कितना ऑसम हो रहा है यार, मस्त बारिश पड़ रही है। सो गाइस आज का मौसम बहुत ही ज्यादा ऑसम है, सो इसलिए आज हमने सोचा क्यों ना आज हम लोग घर पर है तो मोमोज बनाकर खाए जाए। और मोमोज का सारा सामान रखा हुआ है घर पे, इसलिए हमने सोचा चलो आज मोमोज बनाते हैं। मैं जरा गेट बंद कर देती हूँ। चलो हम लोग बनाते हैं आज मोमोज। मेरी दोनों बहनें घर पर ही हैं, वो कहीं गई नहीं है, तो हमने सोचा चलो आज हम लोग तीनों बहनें मिलके थोड़ा काम शाम करते हैं, मोमोज बनाते हैं। तो मैंने इससे कहा कि पहले तो लगा दे तू झाड़ू और फिर इस लड़की से कहा कि तू सारा सामान वगैरह सेट कर दे। वो देखो बालकनी में चली जा रही है, मम्मा हमारी सो रही है, तो आज हम तीनों ही खुरापात करने वाले हैं। सो उस किचन में चलते हैं और मोमोज बनाने की प्रिपरेशन करते हैं। ये लड़की बार बार धूप के भाग जा रही है, देखो बारिश हो रही है, सारे कपड़े घर के अंदर ही सूख रहे हैं, वैसे रोज ही सूखते हैं, आज पर बारिश हो रही है, आज बिल्कुल कमरों वगमरों में। सो मैं आ चुकी हूँ भाई किचन के अंदर और आज हम लोगों को बनाने हैं मोमोज। एक्चुअली कहीं लग जाएगा यार, यहाँ तो कुछ नहीं दिखा सकती यार मैं, मेरी पुरानी जगह में हमेशा यहीं बनाती हूँ किचन में यार वीडियोस। हाँ अब ठीक है, अब अच्छे से बात हो सकती है। सो हम लोग बनाने वाले मोमोज। मोमोज में आज हम थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई करने वाले हैं। आज हम मोमोज में मैगी को भरकर बनाएंगे और साथ ही साथ जो नॉर्मल रेगुलर मोमोज होते हैं वो भी बनाएंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मोमोज बनाना। हम तीनों ना काम को डिवाइड करने वाले हैं कि हम ये करेंगे वो ये करेंगे ये करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग काम डिवाइड करके अपना काम करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं मोमोज बनाना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, गाने मत चला, ये YouTube वाले जो भैया है ना वो कॉपीराइट डाल देंगे। किचन में काम करने के लिए आ जाओ। नहीं हमने बोला ना, सच में यार बिल्कुल कॉपीराइट आ जाएगा। बहुत काली आ रही है, गोरा करो, देखो शक्ल तो सूरत अच्छी कर लेती है एटलीस्ट। बुलबुल चल यार, क्या किया, झाड़ू ही तो लगाई। मोमोज तो साथ में मिलके बनाने वाले हैं, मैं मैदा लगाऊंगी तो उसके साथ तो वो करियो, कैबेज ग्रेट कर। तो मैं नहीं बना रही मोमोज, देखो कैसे चाबी ऐसे नौटंकी देती है। मैं बनाऊंगी। मम्मी आती क्यों रहती है यार, तू रोती क्यों रहती। ठीक है देखो अब मैं ये क्लिप जरूर लगाऊंगी तेरी। बुलबुल थोड़ी शिवानी की एक्टिंग करके दिखा दे, करके दिखा दे यार, अभी दिखा दे ना। आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज हम अपने व्लॉग में यार थोड़ी शिवानी की एक्टिंग कर ले। हम लोग पहली बार बिग बॉस OTT देख रहे हैं और उसमें जो शिवानी गाँव की लैंग्वेज जो बोलती है बड़ा मजा आता है उसकी लैंग्वेज को कॉपी करने में। सो बुलबुल बहुत अच्छा कॉपी करती है, ये लड़की बताती नहीं है, दिखा भी नहीं रही व्लॉग में करके कि कैसे एक्टिंग करके। बुलबुल यार करके दिखा दे शिवानी की एक्टिंग। तो मैं सोच रही हूँ, ये तो करके दिखाने वाली है नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ही करके दिखा देती हूँ। हाँ तो हम भैया हम कहा बोल रहे थे कि आज हम ना वो बिग बॉस में जो आई है ना शिवानी कुमारी, हम बिनी की एक्टिंग करके दिखाएंगे। आज हम बिनई की भाषा बोलेंगे, मज़ा आएगा ना। चलो तो हम चलते हैं भाई रसोई में और माँ जाके बनाएंगे मोमोज। और हमारी जो दूसरे नंबर वाली बहन है ना वो पत्ता गोभी घिस रही हैं। हाओ हम तो बिन की पत्ता गोभी पे घिस रही हैं, बिन ने हमसे मना कर दो कि तुम हमारी वीडियो मत बनाओ। तो हम भैया कह रहे हैं कि ठीक है कोई बात ना, हम तुम्हारी वीडियो ना बनाए रहे। या गाँव की लैंग्वेज बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, नॉर्मली बोलते नहीं है। तो ये पत्ता को हाँ सॉरी शिवानी कुमारी की एक्टिंग करनी है। तो हमारी जी बहन पत्ता वो भी घिस रही है, तो हम ज़रा सोच रहते हैं कि मैदा लगा लेते हैं। तो चलो मैदा निकाल लें यार, लिटरली बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है मुझे शिवानी की एक्टिंग करने में।
यार आँख में आए यम पे आएंगे यम पे आ यम पे आ माई आँखन में कछु घुस गया हुआ है नहीं पता है हमें ना मालूम तुम्हारी के देखो हमारी आँखन में कछु घुस गया चलो ठीक है वो पत्ता वो मेरा निकाल लें मखाने मिल गए हमें तो पहले खाई लेते हैं खाओगे मखाना खाई है तुम खाई लो मोटी है रंग यूं गजब बेइज्जती है हम तो बैठो मोटे है रहे हैं क्या करें पता नहीं होती ना हम लिपस्टिक का है तो बदल गए अरे वो थोड़ा सुंदर लगा था ना मारो हम लिपस्टिक लगाई ले अरे आप तो हमारे फैंस हो तो हमारी सुंदरता तो हमें पता नहीं है कि हम कितने सुंदर हैं बदसूरत हैं हम बहुत सुंदर हैं ज्यादा मत चला तुम मेरी बदसूरत हो तुम गाय ना बोलते करो ज्यादा मत मुंह चलाओ हम मैं नहीं तो कुछ तो मिल जाए कछु तो मिल जाए हमें हाँ तो मिल गई हमें मैदा अब हम लगाए रहेंगे मैदा को आटो और फिर बनाएंगे हम मोमो चलो हम मैदा लगा लेते हैं मैगी क्रश करके बात हुई थी कि मैगी की थी मैंने कही कि चिल्लाओ मत हम पे ठीक है ना हम बहुत मासूम से बच्चे हैं मैगी देखो बोला था कि क्रश करके डाल हे भगवान यार तुम लोग बिल्कुल काम की नहीं सुनते ढंग से मैं ही सारा काम करती रहूं ये क्या बात होती है ये क्या बात होती है मैं मैदा लगा रही हूं और जब तू कह रही है कि मैगी खुद ही कर लो क्रश करने की लो अब बहसबाजी चालू हो गई बिग बॉस इसलिए देखती कि लड़ती रहे बस पूरे दिन घर में सो ही जस्ट सो ब्लू ए लीजा चुप है किसका नाम ब्लू कौन है ये लड़की पांक पॉलोमी हाँ पॉलोमी चुप रहो तुम बचकाइंड शाद आप ठीक है ना अब पूरी मैगी मुझे खुद क्रश करनी पड़ेगी और खुद डालनी पड़ेगी इन लोगों से तो एक काम नहीं हो सकता बस गुनगुन काम करके दिखा रही है कर रही है सॉरी दिखा नहीं दी है अब मैं करूँ बस सारी मैगी को क्रश मैं कर डाल दिया मैं कर दूंगी ना वो तो हाल हो जाएगी तो डाल दिया उसने पानी में आधी मैगी सारा काम मैं ही करती रहूँ मैं सारी मैगी जो थी वो क्रश कर दिया उसमें पानी डाल देती हूँ सिर्फ बॉईल करनी है मेरे को ये मसाला डाल के मैगी हो गई तो मैं इसमें डाल लेती हूँ मैगी मसाला फ्लेवर के लिए ताकि मोमोज की फिलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए मैगी मेरी बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है यार इसमें नेग भी पानी नहीं छोड़ा मैंने खाने का और मन कर रहा है मेरा तो यहाँ मैंने अपना आटा भी लगा के रेडी कर लिया यहाँ हमारा पत्ता गोभी ग्रेट हो गया है इसको फिलहाल मैं क्या करने वाली हूँ कढ़ाई में फ्राई करने वाली हूँ ताकि इसका पानी जो है ना वो सूख जाए यहाँ मैगी खाने क्यों आई हो तुम्हें तो बनानी ही नहीं थी मुझसे बोला किसने था क्रश करने की क्यों खाने कैसे आ गई देखो कैसे जीप लपलपा रही है लड़की की मैगी देखो मैं बोल मान जा मैं मैगी मत खा मेरी थोड़ी सी अलग से बाउल में निकाल के ले जाओ लेकिन मुझे ये मैगी स्टफिंग में भरनी है वो स्टफिंग भरनी है और यहाँ पे आके मोमोज के अच्छे अच्छे शेप बनाएगी तू समझ में आई बात मैगी दे रही हूँ सोना मैं सोना दे रही हूँ थोड़ी सी मैगी निकाल के खाना बस और यहाँ पे आ जा काम करने मोमोज की स्टफिंग मैं रेडी कर रही हूँ और मोमोज के शेप तू देगी समझ में आई बात हाँ और ना मैं जल्दी बोल ठीक है अब आई ना उतनी पहाड़ के नीचे वाला सीन था एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से लो यहाँ पे ये मैडम लेके जा रही है अब ये क्या हो रहा है चाय बना अच्छा अच्छा मैं भी पीऊंगी चाय मैं गाइस मैं रेडी जी अब अच्छे से स्टफिंग जो मैंने पत्ता गोभी जो है ना उसको अच्छी तरीके से मुझे करना है फ्राई इसका पानी निकालना कपड़े हटा देते तो सही रहता ना अरे यार क्या करूँ कहाँ लेके जाऊँ बारिश की वजह से सारे कपड़े यहीं पड़े हुए हैं किचन के अब ठीक है दो साइड से हो गए क्या पागल स्टफिंग में नहीं जा पाएगी तो क्या इसकी सारी थोड़ी बनाओगी बचेगी तब खा लेना ना उसको ठंडा हो जाने दे और मैं कढ़ाई रख लेती हूँ एक बाई चंद मेरे को भी मजा आ गया अब काम करने के लिए एनर्जी आ गई है
मैंने देखो पत्ता गोभी को ना अच्छे तरीके से वो कर लिया, भून लिया ताकि इसका जो पानी है ना मॉइस्चर उसका सही हो जाए। मस्त धुआं निकल रहा है, गर्म है यार, ठंडा हो जाए तब भरेंगे इसकी स्टफिंग। तू चाय बना ली तूने? तो ठीक है चल चाय छान दे यार, बहुत अंधेरा हो गया आज किचन में, लाइटिंग की कमी है, शाम का वक्त हो रहा है, बारिश टपक रही है इस वजह से बिल्कुल लाइट ही कम है। अभी मैं बनाने वाली हूँ चटपटी तीखी तीखी लाल मिर्ची वाली सॉस, और ये लड़की देखो यहाँ साइड से खड़े होकर साइड में से देखो मैगी खाने में लगी हुई है, एक चोरनी है चोरनी, जला ले अपना मुंह एकदम, उंगली इधर से खा। तो यार बिल्कुल मान जा स्टफिंग के लिए रखी हुई है, ये लड़की मानती नहीं है, इसमें इतनी गुस्सा आती है ना इस पे। मैं अब जरा लाल मिर्ची वाली सॉस बनाती हूँ, फिर उसके बाद मिलेंगे। हाँ ठीक है हटा दे हाथ, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं उठा लेती हूँ अपनी चाय और चाय लेके चलते हैं, मस्त आराम से बैठ के पियेंगे। ये नमकीन और ले कपड़ा, जब देखो जब बस गिराती रहती है। मेरी सॉस रेडी है, यार मैं बार बार सॉस क्यों बोल देती हूँ, चटनी रेडी है। मैंने ना इसमें लहसुन नहीं डाला है बिकॉज हम लहसुन नहीं खाते हैं और तुम्हारे घर में है भी नहीं, मतलब लहसुन हम खाते हैं बट घर में यूज़ नहीं करते हैं। हमारी बुलबुल दीदी आ गई है किचन में, चलो तुमसे हमने बोला था ना मोमोज को बनाकर तुम्हें रेडी करना है, मैंने यहाँ पे अपना स्टीमर निकाल लिया है, चटनी की गैस बंद कर देते हैं। देखो ये लड़की बहुत बदतमीज़ है, जब देखो जब बस चोरी छुपे कुछ ना कुछ खाती रहेगी। चल मोमोज बना के रेडी करते, मैं तुझे बेल बेल के दूंगी और तू मोमोज को शेप देना ठीक है। यार ये शेप तो बहुत अच्छे बनाए हैं, क्या बोल रही, दोबारा बोल। मैं रेडी करूंगी गाइस, ये मोमोज का ठेला लगाने वाली है बहुत जल्दी, आप जल्दी से आना हमारे यहाँ पर। और बड़ा पाव गल है मैं मोमोज। हाँ तू मोमोज गल बनियो और अच्छे से स्टफिंग भर अच्छे से बना, ये वाली शेप ज्यादा अच्छी है, ये वाली शेप बना ठीक है मोमोज के, ये वाले तो रेगुलर हम खाते रहते हैं, ये वाली शेप के, ये वाली शेप बना ठीक है, बनाती है। खाने में बहुत कुछ रखा है पर शेप, ये तूने फिर से गुजिया वाली बनाना शुरू कर दी। तो बनाऊंगी ऐसे ही। अच्छा तूने ये ऐसे गुजिया करके फिर उसके बाद शेप दी थी इसको, अच्छे से भर दियो है फुल। ओ माय गॉड यार शेप तो बहुत अच्छी दी है ऐसे, मैंने कहा ना मैं रेडी पर सीख के आई हूँ 10 महीने। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत 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 सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर से, देखो कितने मस्त हवा में बैठ के मोमोज के शेप दे रही है, मोमोज भर रही है, और मैं वहाँ किचन में इतनी भारी गर्मी में ये पूड़ियाँ बेल रही हूँ मोमोज की। और अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपने स्वादिष्ट मोमोज जो हमारे स्टीमर में यम यम लग रहे हैं। बुलबुल यार भाई गॉड कसम से शेप बहुत मस्त लग रहा है, रख दूँ? हाँ मोमोज इधर रख दे और ये जो पूड़ियाँ हैं ना वो उठा के ले जा यार, मोमोज तो काफी सारे ही बन गए, मजा आएगा। ये मैंने थोड़ा ट्राई किया कटर पिलर देखा मोमोज का शेप दे दिया, मैंने सोचा ये ज्यादा बेस्ट है, आज से हम लोग ऐसे ही शेप बनाए करेंगे है ना। मैं इनको जरा उलट पुलट कर दूं, मस्त मोमोज लग रहे हैं यार सच में। यार मेरी मम्मा तो यार मोमोज स्टीम वाले खाती ही नहीं। वैसे यार मैं शिवानी कुमारी की एक्टिंग कर रही थी कि मैं गांव की लैंग्वेज में बात करूंगी, बट क्या हुआ बोल ही नहीं पा रही, मैं तो ऐसे ही बात कर रही हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे मैं रोज हमेशा बोलती हूँ। यार बहुत टेस्टी मोमोज बन रहे हैं, हालत देखो पसीने में एकदम टकरा रही हो, लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद ना जो मोमोज में स्वाद आने वाला है बहुत ज़्यादा टेस्टी आने वाला है और बहुत यम यम बना है। बस फटाफट से जल्दी जल्दी इसको बना लूँ और बस खाने बैठ जाए। मैंने पूरी सारी बना दी है, हमारे यहाँ पे मोमोज सारे स्टीम हो रहे हैं और कुछ मोमोज स्टीम हो गए थे हमने उसको निकाल दिया। गुनगुन और मम्मी को पसंद है स्टीम वो फ्राइड मोमोज तो वो तल रही हैं उसको। भाई मेरा सारा काम ख़त्म हो गया अब बस खाने रह गए। हमने 4:30 बजे से यानी 4 बजे से यहाँ पे मोमोज बनाना स्टार्ट करे थे और अभी 6:20 बाकी है, बन गए यार तीनों लोगों ने मिलकर काम किया था ना इस वजह से हम लोगों के जल्दी बन गए मोमोज। और अभी एक दो टेस्ट करे थे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं, बस अब चटनी और सब चीज़ों के साथ आराम से बैठ के खाने हैं, अच्छे से स्टीम हो जाए, मैदा कच्ची नहीं रहनी चाहिए ना वरना पेट में जाके दर्द करेगा। चलो मैं इनके मोमोज ज़रा फ्राइड कर देती हूँ। ये होता है बहनों का प्यार, थोड़ी देर पहले हम लड़ रहे थे एक दूसरे से और अब देखो ये हमारी बहनाश्री हमारे लिए मोमोज की प्लेट लगा रही है। इसमें क्यों निकाल दिया यार, छोटी वाली चटनी वाली कटोरी ले ले एक में, खुद कर लो देख, अभी खुद कर रही थी अब खुद कर लो, अब मुझे कुछ खाना भूख लग रही है। अब यार देख मोमोज में पानी डाल दिया पागल, अरे कौन सी प्लेट तुम्हारी है। चनचना गाइस बहुत ज़्यादा यम यमी मोमोज बने हुए हैं और ये रहा मेरा मैगी मसाला, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डाल लेती हूँ
बिकॉज़ मुझे मैगी मसाले के बिना मोमोज पसंद नहीं आते, और थोड़ी सी चटनी में भी, क्योंकि मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला ना, इसलिए। इतनी मेहनत करने के बाद अब ये नसीब हो रहे खाने में। कभी कभार तो पता ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करने से तो अच्छा बाहर जाओ आराम से खाओ, पर वो स्वाद ही नहीं आएगा जो हमने बना कर खाने आएगा। ओ पहला ही बाइट मेरे को मैगी मोमोज का मिला है, ये देखो। और मैं खाऊंगी मस्त यार तीखी चटनी से। आई होप गाइज आप लोगों को हमारा आज का कुकिंग ब्लॉग पसंद आया हो। हम लोग भी हमेशा जब भी छुट्टी रहती है, हम तीनों बहनें हमेशा ऐसी कुकिंग करते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं बनाकर, ऐसे बहुत मज़ा आता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मैं बाय। अब मैं इसको इन्जॉय करती हूँ।